alaikum everyone today we are going to start another topic and that is enzymes so what enzymes are they are the protein molecules enzymes are actually biological molecules which are made up of protein and they catalyze the reaction they fasten the reaction they speed up the reaction and uh, they act the same way as known biological catalyzers act जैसे नॉन बायोलॉजिकल कर्टिलाइजर्स हैं जो हम लैब में सेंथसाइज करते हैं या लैब में यूज करते हैं वो कर्टेलाइजर्स जिस तरह से एक्ट करते हैं जिन थर्मोडाइनमिक लॉस को वो फॉलो करते हैं उन्हीं सेम रूट uh, पे इंजाइम्स काम करते हैं बट दीज इंजाइम्स कैन ऑल्सो भी आर एन ए बेस्ड आर एन ए बेस्ड बेसिकली जो ज्यादा इंजाइम है मोस्टली नॉर्मली यूजली इंजाइम किस तरह के होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन दे कैन ऑल्सो भी आर एन ए बेस्ड मॉलिक्यूल्स

यूरिन मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है वट पैप्सन डू ये प्रोटीन को ब्रेक करती है पेप्टॉन्स में वट ट्रिप्सिन डू ये पेप्टोन को फर्दर ब्रेक करता है में। एंड वट यूरिएस डू ये ब्रेक डाउन करता है यूरियस यूरिया की ठीक है दीज आर आर लिस्सेज एंजाइम लेकिन हमारे पास लाइगेज एंजाइम भी होते हैं हमारे पास ट्रांसफ्रेज एंजाइम भी होते हैं ऑक्सीडोडिडक्टेज एंजाइम भी होते हैं जो कि एंजाइम की सिक्स क्लासेस हैं सिक्स डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हो सकते हैं वो हम लोग आगे फर्दर देखेंगे उनको ठीक है अब एज टेम क्या है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है आर्टिफिशियल स्वीटनर है बट इट इज नॉट अ ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं है ये ठीक है ये क्या चीज़ है दिस इज बेसिकली एन अमाइनो एसिड ये एक प्रोटीन है ये एक प्रोटीन है आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम जो है ये ग्लूकोज नहीं है इसलिए ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता ठीक है इसलिए जो आ, शुगर पेशेंट्स हैं इफ़ दे रियली वांट टू ईट समथिंग स्वीट तो उनको एज नेम दिया जाता है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता बिकॉज उनके पास जो है वो आ, मसल इंसुलिन नहीं होता है डायबिटिक पेशेंट्स में और उनका जो मसल सेल्स का ग्लूट ग्लूटफोर है वो ओपन होता है इंसुलिन की प्रेजेंस में अब जब उनके पास इंसुलिन नहीं है वो ग्लूटफोर ओपन नहीं होगा तो वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते वो सारे का सारा जो जोर है या सारा प्रेशर वो लीवर पर आ जाता है इसलिए उनको आर्टिफिशियल uh, स्वीटनर दिया जाता है विच इज नॉट अ ग्लूकोज इज एक्चुअली प्रोटीन अब जब ये आर्टिफिशियल स्वीटनर ब्रेक होगा तो ये प्रोटीन मेटाबोलिज्म में जाएगा ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगा ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जाएगा और इस ये जब एक्चुअली uh, प्रोटीन और जब ये प्रोटीन टूटेगी तो वो यूरिया बनाएगी और अदर मेटाबोलाइट्स विच इज़ अ कंप्लीट पाथवे प्रोटीन मेटाबोलिज्म आई हैव अ वीडियो ऑन ग्लूकोज मेटाबोलिज्म लिपिड मेटाबोलिज्म सेम देर इज़ अ प्रोटीन मेटाबोलिज्म इट इज अ कम्प्लीट स्टेप वाइज प्रोसेस लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस डैट हम लोग प्रोटीन मेटाबोलिज्म में बस इतना देख रहे हैं कि एज इज नॉट अ ग्लूकोज इट इज़ नॉट गोइंग टू गो इन टू अ ग्लूकोज मेटाबोलिज्म बट इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन एंड इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इन टू यूरिया एंड अदर प्रोटीन मेटाबोलाइट बाई अ अब यूरियाज एंजाइम क्या करता है ये इस यूरिया uh, को ब्रेक करता है लेकिन हमारी बॉडी में यूरियाज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता लाइक like, प्रेजेंट है like, हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करे यूरियाज एंजाइम को तो so, ये यूरियाज एंजाइम हमारी बॉडी में मौजूद एक बैक्टीरिया विच इज नेम्ड एज हेलिकोबैक्टर पायलॉरी पायलॉरी ये हमारी बॉडी में मौजूद एक बैक्टीरिया है और इसके पास ये यूरिएज एंजाइम होता है ठीक है और वट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी डू ये जो भी है क्या करता है ये कि ये स्टमक के अंदर स्टमक की लाइनिंग को ब्रेक करता है यूरियज एंजाइम हेलिकोबैक्टर के पास ये एंजाइम है और ये एंजाइम क्या करता है लाइनिंग को ब्रेक करता है और जिसकी वजह से ये अल्सर काज करता है which is also an enzyme. हम लोगों ने जब इटीसी पढ़ी थी तो हमने इटीसी में देखा था कि मॉलिक्यूल क्युनौ... थे जो कि क्या कर रहे थे ट्रांसफर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कंप्लेक्स टू दी अदर ठीक है एक कॉम्प्लेक्स से वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे थे अब वो इलेक्ट्रॉन जब क्यूनोल एक्सेप्ट करता था क्यूनोल एक्सेप्ट करता था दो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और वो क्या हो जाता था रिड्यूस बट इफ देर इज अ पार्शल रिडक्शन किसी भी वजह से अगर क्यूनोल कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ ये पार्शली रिड्यूस हो गया तो ये किस चीज में बन कन्वर्ट हो जाएगा क्यूनॉन में दिस इज एक्चुअली अ पार्शली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल ठीक है अब क्यूनोल क्या हुआ था uh, इसने इलेक्ट्रॉन्स uh, लिए थे ई टी सी में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था और एक कंप्लेक्स से दूसरे कम्प्लेक्स तक लेके जा रहा था दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट uh, करके ये कम्प्लीटली रिड्यूस हो गया था नाउ वट हैपन्स कि ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होता लाइक वट एवर द रीजन में भी ये कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ तो इस स्टेट में कंडीशन में इसको क्या करेंगे क्यू नॉन और इसके ये क्या करते हैं सेल में बिकॉज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिड्यूज तो ये सेल में डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं विच कैन अगेन लीड टू कैंसर ये क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा सेल को एंड विल लीड टू कैंसर और इसकी uh, कम करने के लिए क्या डाला जाता है डाला जाता है सॉरी डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं क्यूनॉन रिडक्टेज वो क्या करता है इस क्यूनॉन को कंप्लीटली रिड्यूस कर देता है सो इट के नॉट नाउ डिस्टर्ब द सेल एंड कैन लीड टू कैंसर ठीक है अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया एंजाइम क्या है प्रोटीन मॉलिक्यूल वालिकूलर बट दे कैन आल्सो बी आरएनए बेस्ड उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखी एंजाइम की फिर हमने एस्पार्टेम देखा जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर था और ये क्या चीज़ थी एस्पार्टेम प्रोटीन थी और ये प्रोटीन मेटाबोलिज्म में जाता है और वहाँ पर यूरिया मिलता है इस यूरिया की ब्रेकडाउन के लिए यूरीज एंजाइम चाहिए और हमारी बॉडी में यूरियज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता हमें यूरियज एंजाइम कहाँ से मिलता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से मिलता है विच इज़ बक्टेरिया और ये बैक्टीरिया के पास यूरियाज एंजाइम होता है यहाँ से इससे हम यूरियाज एंजाइम लेते हैं टू तो ब्रेक आर यूरिया ठीक है और ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी कहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टमक में प्रेजेंट होता है इसका यूरियाज एंजाइम स्टमक लाइनिंग को आ, वो करता है क्या करता है आ, ब्रेक डाउन कर देता है स्टमक लाइनिंग की और फिर अल्सर कॉज करता है विच कैन फर्दर लीडिंग टू कैंसर फिर हमने क्यों नॉन रिडक्टेज के बारे में पढ़ा कि इसका क्या काम है ये क्या करता है ये भी एंटी कैंसर है और न, क्या कर रहा है कि ये क्यूनॉन को कम्प्लीटली रिड्यूस कर रहा है ताकि वो कैंसर नहीं कॉज करे सो इट इज़ अ इट इज़ अ एंटी कैंसर रोल इट हैव अ एंटी कैंसर रोल ठीक हो गया नाउ अच्छा ठीक है अब कुछ एंजाइम्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल लेकिन देर आर सम एंजाइम्स और जिनको चाहिए कोई ना कोई हेल्प कोई ना कोई मॉलिक्यूल उनके साथ एज एन असिस्टेंट लगा हुआ होता है अटैच होता है और वो हेल्प करता है एंजाइम को एक्टिवेट करने में ठीक है और उस जो भी कोई मॉलिक्यूल अटैच है एंजाइम के साथ उसको एक्टिवेट करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं को कहते हैं ठीक है थीके? अब नाउ दैट को कैन बी अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोस्थेटिक और दैट कैन बी अब स्ट्रेट ठीक है तो हम उसको क्या कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और कैन बी इनऑर्गेनिक अगर वो ऑर्गेनिक है तो हम उसे क्या कहेंगे को इन्जाइम ठीक है इन्जाइम्स uh, जो हैं वो बगैर किसी हेल्प के एड के भी वर्क करते हैं बट देर आर फ्यू इन्जाइम्स विच नीड सम को फैक्टर टू वर्क फंक्शन प्रॉपरली ठीक है उसके बगैर को फैक्टर के बगैर वो इनएक्टिव रहते हैं सही हो गया अब को फैक्टर जो है वो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो एड रहा है हेल्प है असिस्ट रहा है इंजाइम को टू बी टू गेट एक्टिवेटेड ठीक है अच्छा अब वो को फैक्टर क्या हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है को सबस्ट्रेट भी हो सकता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप एनी ग्रुप डेट इज कोवलेंटली अटैच टाइटली बाउंडेड टू द इन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इफ इट इज ऑर्गेनिक वी विल कॉल इट को ठीक है नाउ वी है हेक्सोकाइनेज़ ठीक है ये हेग्जोकाइनीज हमने कहाँ पढ़ा था ग्लूकोज के मेटाबोलिज्म में पढ़ा था जब ग्लूकोज लिवर सेल के या मसल सेल के अंदर आ रहा था तो वो मूव इन और मूव आउट हो रहा था उसको सेल के अंदर ट्रैप करने के लिए हमने हेक्जोकाइनेज यूज़ किया था और हेक्जोकाइनेज ने एटीपी को यूज़ करते हुए ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया था ठीक है ताकि वो अब सेल के बाहर आउट नहीं हो सके इस ग्लूको हेक्जोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज हेक्जोकाइनेज इज अंजाइम और ये हेक्जो कोई भी हो सकता है हेक्जोकाइनेज इज एंजाइम विच इज एक्चुअली फोस्फोर आइलेटिंग अक्जोज काइनेज एंजाइम जहाँ पे कहीं पे भी काइनेज का वर्ड यूज हुआ होगा इसका मतलब है वो एंजाइम जो है वो फोस्फोर कर रहा है हेक्जो के साथ ये काइनेज एंजाइम है इसका मतलब है ये हेक्जोज की फोस्फोराइलेशन uh, कर रहा है Hexos के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करता है कर रहा है अगर ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम है जैसे हमने पी के ए पढ़ा था लिपिड के मेटाबोलिज्म में पी के ए प्रोटीन काइनेज ए हमने कहाँ पढ़ा था लिपिड के मेटाबोलिज्म में हमने इसको पढ़ा था ठीक है अगर uh, कोई भी काइनेस जिस भी किसी ग्रुप के साथ अटैच होगा वो उसको फोस्फोराइलेट कर रहा होगा पी के ए क्या कर रहा था प्रोटीन के साथ फोस्फो ग्रुप अटैच कर रहा था अब ये हेग्जोकाइनीस क्या कर रहा है किसी भी हेग्जोज के साथ डैट हेग्जोज कैन बी ग्लूकोज डैट कैन बी फ्रक्टोज डैट कैन बी गलेक्टोज लेकिन ये मेजर तौर पे या ज्यादातर किस पे एक्ट करता है ग्लूकोज पे ही एक्ट कर रहा होता है ठीक है अब ये हेग्जोकाइनीस जो है इसमें कोई भी हेग्जोज इनमें से ये क्या है उसका सबस्ट्रेट है इस सबस्ट्रेट के ऊपर इसने अटैच करवाना है ठीक है ने एटीपी को यूज किया था और इस ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया था तो डेट एटीपी इज को सबस्ट्रेट ठीक है And the magnesium ions are present in it, magnesium ions, which are which is a prosthetic group. <laughs> अब ये हेग्जोकाइनेज एंजाइम था ना देर आर सम एंजाइम कैन वर्क प्रॉपरली एक्टिवली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल लेकिन जो हैगज्जोकाइनेज एंजाइम है इसको uh, कोसब्स्टेट भी चाहिए इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी चाहिए कोसबस्टेट इसका क्या है एटीपी मॉलिक्यूल और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है मैग्नीशियम uh, आइंस ठीक है अब प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल्स हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल्स हैं

अगर एंजाइम के साथ कोई मेटल अटैच है तो हम उस एंजाइम को कहते हैं मेटलो एंजाइम अगर फ्लेवन अटैच है डैट फ्लेवन कैन बी एफ ए डी डैट कैन बी एफ एन एम ये एम ऐसे ठीक है एफ एन एम अगर एफ ए डी है और या एफ एन एम है तो हम उस एंजाइम को क्या कहेंगे फ्लेवो एंजाइम ठीक है इसी तरह से कुछ होते हैं सिंपल एंजाइम्स और कुछ होते हैं कंप्लेक्स एंजाइम्स ठीक है सिंपल एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन उनके साथ और कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होता ठीक है कम्पलेक्स एंजाइम की एग्जाम्पल यही मिटेलो एंजाइम्स आ सकते हैं फ्लेवन एंजाइम्स आ सकते हैं मिटेलो और फ्लेवो कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस ठीक अब उसके बाद एंजाइम्स की आ, या एप्पो एंजाइम और होलो एंजाइम, ठीक है वो एंजाइम जिसके साथ कोई ना कोई एंजाइम प्लस को फैक्टर वो एंजाइम जिसके साथ कोई ना कोई को फैक्टर अटैच है उसको हम क्या कहते हैं होलो एंजाइम ठीक है अगर एंजाइम के साथ को फैक्टर अटैच नहीं है एंजाइम माइनस को फैक्टर तो हम उसको क्या कहते हैं एपो एंजाइम ठीक है इस सूरत में हमारे पास सिर्फ ये प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम है तो इसको हम एपो एंजाइम भी कहते हैं और प्रोटीन भी कहते हैं ठीक है अगर इंजाइम के साथ को फैक्टर अटैच है तो वो होलो एंजाइम ये फुली फंक्शनल इंजाइम है वो इंज़ाइम जो आ, किसी कोफैक्टर के बगैर काम नहीं कर सकते उन एंजाइम के साथ अगर को फैक्टर नहीं है वो सिर्फ प्रोटीन का एक इंजाइम है तो उसको हम क्या कहेंगे एपो इंजाइम या फिर प्रोटीन लेकिन वो अगर उस एंजाइम के साथ कोई को, को, को फैक्टर अटैच हो जाए वो एक्टिवेट हो जाए एंजाइम तो उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम ठीक है एपो एंजाइम जो है वो उसकी इंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है और होलो एंजाइम इंजाइम की एक्टिवेटेड फॉर्म है अब हम इंजाइम की पढ़ लेते हैं कुछ साइट्स इंजाइम जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ठीक है इसमें एक्टिव साइट होती है इसमें एलोस्टेरिक साइट होती है एक्टिव साइट यूजली एक एंजाइम के अंदर यूँ गैप है दिस इज़ द एक्टिव साइट ठीक है और एलोस्टेरिक साइट क्या होती है ठीक है अगर इसको मैं एक्टिव साइट कंसीडर कर लूं तो ये एलोस्टेरिक साइट होगी अगर मैं इसको एक्टिव साइट कंसीडर कर रही हूँ तो ये एलोस्टेरिक साइट है मतलब एक्टिव साइट के अलावा अगर कोई भी आ, ऐसी पोजीशन इंजाइम पे मौजूद है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर अटैच हो सकता है तो वो एलोस्टेरिक साइट होगी ठीक है एक्टिव साइट का ही सारा रोल है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का जो इंजाइम है इसमें ये जो रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है सबस्ट्रेट को कन्वर्ट है सबस्ट्रेट uh, को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन के दौरान जो रेट ऑफ रिएक्शन को uh, ये स्लो कर रहा है कम कर रहा है वो सारा काम कौन कर रहा है ये एक्टिव साइट कर रही है पूरा एंजाइम ही प्रोटीन है एक्टिव साइट भी ऑब्वियसली अमाइनो एसिड रेजिड्यूस की बनी हुई है अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके आर ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कार्बोक्साइड uh, ग्रुप है जो उसमें सी ओ ओ एच है जो एन एच थ्री है वो सेम है ठीक है एंजाइम का ये स्ट्रक्चर सेम है लेकिन जो इसके साथ आर ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है इट इज़ नॉट लाइक दिस ये ऐसे नहीं है यहाँ पे एच है है। और यहाँ पे आर है जो आर ग्रुप है ना ये जो साइड चेन है ये डिफरेंट है ये जो ऊपर वाला बेसिक स्ट्रक्चर है ना इसका एनएच थ्री सीओ एच और सी बॉन्ड एच ये सेम है जो आर ग्रुप है सिर्फ उसमें डिफरेंस आ रहा है ठीक है यहाँ पे अमाइनो एसिड के जो रेजिड यूज हैं उनके आर ग्रुप डिफरेंट हैं और ये आर ग्रुप बॉन्डिंग करेंगे सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट के साथ ये बॉन्डिंग बनाएंगे और उसको सबस्ट्रेट को यहाँ पे होल्ड कर लेंगे यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेंगे और इस तरह से ये रिएक्शन को फास्ट कर देंगे ठीक है और एलोस्टेरिक साइट कोई भी साइट अदर देन एक्टिव साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट और एक्टिव साइट क्या है जो कि एंजाइम के अंदर पूरे इंजाइम में जो उन से भी जगह एक्टिव है जहाँ जो कैटलिटिक एक्टिविटी के लिए वो अवेलेबल है स्पेस उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट ठीक है अब हम लोगों ने करनी है इंजाइम के सिक्स क्लासेस यहां स्पेस है एंजाइम को 1964 में सिक्स क्लासेस में क्लासिफाई किया गया था ठीक है और ये क्लासेस इनके लिए एक निमोनिक है और दिस इज एच oxidoreductase oxidoreductase this is transferase lyase isomerase and this one is लाइगेस ठीक है अब ये काम क्या कर रही है जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है वो ट्रांसफर करती है ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन कर रही है या रिडक्टेज इंजाइम जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज में जितने भी इंजाइम आएंगे वो या ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे या फिर रिडक्शन कर रहे होंगे मतलब या तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं ठीक है थीके? उसके बाद जो ट्रांसफरेज एंजाइम है वो क्या करें ट्रांसफर करें एक ग्रुप के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं दूसरे ग्रुप के ऊपर जैसे हमने यहाँ पे हेग्जोकाइनियस देखा था ये एक्चुअली एक ट्रांसफरेज एंजाइम है ये पीओ फोर को ट्रांसफर कर देता है हेग्जोज के ऊपर ठीक है हेग्जोकाइनियस क्या है एक ट्रांसफरेज एंजाइम है ट्रांसफरेज एंजाइम में क्या होता है ट्रांसफर होता है ग्रुप का फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू दी अदर हाइड्रोलेज एंजाइम में क्या है इसमें हम वाटर ऐड करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बाय द एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रो हाइड्रोलेज ठीक है हाइड्रोलेज नाम से ही बताए हाइड्रोजन हाइड्रो यानी वाटर की एडिशन से हम लेस करते हैं करते हैं तोड़ देते हैं मॉलिक्यूल को बाय द एडिशन ऑफ वाटर जो एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स uh, को तोड़ रहे हैं उन उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं वो किस क्लास में आते हैं हाइड्रोलेज की क्लास में आते हैं ठीक है लाइएज एंजाइम कौन से हैं लाइएज एंजाइम्स हैं जो लिस करते हैं डबल बॉन्ड की और बाय द एडिशन ऑफ सीओ टू एन एच थ्री एच टू ओ ठीक है अब जो ये एंजाइम है ना इनके इसका दो काम हो सकता है या तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है या तो नहीं इसका एक ही काम है ये डबल बॉन्ड को रिमूव करता है बाय द एडिशन ऑफ क्या ऐड करवा रहा है सीओ टू एड करवा सकता है ये या फिर एनएच थ्री या एच टू ओ ठीक है किसी भी मॉलिक्यूल की एडिशन से ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो सकता है ये कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो सकता है इन डबल बॉन्ड्स को ये ब्रेक करवा रहा है या फिर ये डबल बॉन्ड इंड्यूस करवा रहा है बाय रिमूविंग दीज मॉलिक्यूल्स समझ में आ रहा है कि लाइएज एंजाइम जो है वो डबल बॉन्ड रिमूव कर रहा है बाय एडिंग दिस मॉलिक्यूल या डबल बॉन्ड इंड्यूस करवा रहा है बाय रिमूविंग दिस मॉलिक्यूल्स ठीक है अगर डबल बॉन्ड रिमूव हो रहा होगा तो ये मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे होंगे इनके ऐड होने से ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा ठीक है अगर आ, वो डबल बॉन्ड वहाँ पे इंड्यूस करवा रहा है तो वो इन मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन कर देगा मॉलिक्यूल से इन आ, जो भी आपका कंप्लेक्स है सबस्ट्रेट है उनसे इन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करवा देगा और डबल बॉन्ड वहाँ पे इंड्यूस करवा देगा ये काम है लाइज का आइजोमरेज का क्या काम है ये भी ग्रुप ट्रांसफर करता है लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल ट्रांसफरेज क्या करता है ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू दईज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन द मॉलीक्यूल ठीक है और लाइगेज क्या करता है टू मॉलिक्यूल्स को लाइक सिंथेटिक रिएक्शन जो है उनमें लाइगेज यूज होता है कि ये दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं टू तो फॉर्म सम अदर कंप्लेक्स दैट इज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम आई होप यू वु लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब कमेंट शेयर अल्लाह